हे भगवान, हे भगवान, अरे बाप रे बाप, अरे हे भगवान, हे राम, हे भगवान, हे राम। ए जी, का हुआ जी? ये सब कैसे हुआ जी? कुछ तो बोलिए जी, कुछ तो बोलिए। ये आपको माथे पर कैसे चोट लगा जी? बहुत सारा खून बह रहा है जी। बेटा, ए बेटा, क्या बात है माँ? अरे पापा, ये कैसे हो गया पापा? ये कैसे चोट लग गया? क्या बताऊं बेटा, ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, मैं क्या बताऊं? जब से कुलश्री घर में आई है तब से अशुभे अशुभे हो रहा है। ऐसा नहीं बोलिए मम्मी जी, ऐसा नहीं बोलिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसा मत कहिए मम्मी जी। क्या कसूर है तुम्हारा, अभी बताते हैं। एक तो बाप के यहाँ से कम दहेज लेके आई है और ऊपर से कैसी की तरह इसका जुबान चलता है और केवल खाती है, रात दिन पलंग पर सोई रहती है। बेटा, इसका गलत दबा के मार दो, फिर से दूसरा शादी कर देंगे बहुत सारा दहेज लेके। ऐसा पाप नहीं कीजिए मम्मी जी, ननद जी, ऐसा पाप नहीं कीजिए। ए जी सुनिए ना, हमको छोड़ दीजिए, ऐसा पाप मत कीजिए मम्मी जी, छोड़ दीजिए मम्मी जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे अरे बेटा, ये तो मर गई है, अरे क्यों नहीं हम लोग सब लोग मिलकर इसको आंगन में दफना दो ताकि किसी को शक ना हो। चलते बेच दिए पापा घर द्वार, बेटी के खुश के लिए दे दिए कार। हाँ दहेज चलते बेच दिए पापा घर द्वार, बेटी के खुश के लिए दे दिए कार। फिर क्यों छती है बेटी, पापा दे दिए जिसको दहेज और बेटी, फिर क्यों मारते हैं लोग यहाँ दब के?
भगवान। चंद पैसों के लिए माना क्यों बन गया है वान है, लक्ष्मी जैसी बहु बेटी को ले लेता ये जान है। दहेज प्रथा हटाओ बलि चढ़ेगी ना बेटी, बलि चढ़ेगी ना बेटी, नहीं मारो तुम दाब के बहू की नरेटी। रो रो के कहती है अपने पापा की चहेती, नहीं मारो तुम दाब के बहू की नरेटी, रो रो के कहती है अपने पापा की चहेती। छोड़ दे बहू, ha 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 ha